ने बहस की, उसके बाद लंच के बाद फिर सरकारी वकील की बहस शुरू हुई। उन्होंने दो तीन पॉइंट अपने रखे हैं और कल सुबह फिर हमारा ही नंबर है। एक जहन दोस्तों, एक शाम की खुशनुमा खबर। जैसा कि हम जानते थे कि आज 15 फरवरी 2022 है और ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन को लेकर के हेयरिंग थी। हेयरिंग नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी कहते हैं कि 2438 दिन बाद एक खुशी वाला कदम, एक स्वागत योग कदम के इसके ऊपर बहस हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हमारा जो वकील थे उन्होंने जमकर बहस की दोपहर तक, उसके बाद सरकारी वकील को सुना गया। यानी ये हेयरिंग कल भी कंटिन्यूस रहेगी। बहुत सारा लंबित मामला है, बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बहुत सारे इशू हैं, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की जरूरत थी और समय न मिलने के कारण, समय के अभाव के कारण जज साहब इसको आगे टालते रहे। आज उन्होंने डट करके इसको सुना और शायद एक पॉजिटिव मैसेज है हमारे एक्स सर्विस मैनों के लिए, जो लाखों लोग इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे हमारे से वेटरन्स जो यूनियन है पूरी जंतर मंतर के बाहर, उस खुशी का माहौल आप देख सकते हो। एक आध आपको ऑडियो क्लिप सुन सकते हो, वीडियो क्लिप सुन सकते हो, स्वागत कर सकते हो कि कल अंततः पूरी बहस पूरी हो और एक सकारात्मक मैसेज जो कि हमारे भूतपूर्व सेनानियों के लिए निकल के आए, ताकि उनको जो फाइनेंशियल जो लाभ जो लॉस चल रहा है उसका लाभ मिले। वहां का जो भी वर्डिक्ट होगा, जो भी निर्णय होगा, सरकार को मानना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। मुझे तक हमारे वकील ने बहस की, उसके बाद लंच के बाद फिर सरकारी वकील की बहस शुरू हुई। उन्होंने दो तीन पॉइंट अपने रखे हैं और कल सुबह फिर हमारा ही नंबर है। एक बजे कल सुबह पहला ही नंबर है और जो आज जो बहस अभी बाकी है वो कल होगी, तो देखते हैं क्या फैसला आता है। हमें सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है कि सैनिकों को न्याय जरूर देगा।